पिछले 3 महीनों से चल रहा है। मणिपुर से जिस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मणिपुर जा रही हूँ। मैं मणिपुर मुख्यमंत्री को ये पत्र लिख के बता भी रही हूँ और उनसे अपील कर रही हूँ कि मुझे रोकने की कोशिश ना की जाए, मेरी मदद की जाए, कि मैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों तक पहुँचकर सरकार की भी मदद करूँगी और लड़कियों की। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर से जिस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में मैंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मणिपुर आना चाहती हूँ और वहाँ पर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो पहले तो मणिपुर सरकार ने मुझे बोला कि आ जाइए, फिर सडनली उनका मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपनी विजिट पोस्टपोन करने का उन्होंने सुझाव दिया है क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ और वहाँ जितनी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं उनसे मैं मिलकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी मणिपुर के खुद कह रहे हैं कि ऐसे कई 100 केसेस हुए हैं। तो उन सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स तक सरकार पहुँच पाई है या नहीं, उन तक कोई रिलीफ पहुँचा है या नहीं, वो किस तरीके के डर में जी रही हैं, वो उन तक काउंसलिंग पहुँची है, लीगल एड पहुँची है, कॉम्पनसेशन पहुँची है, कोई धमकियाँ तो नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेने और उनकी मदद करने मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो मणिपुर सरकार का जो सुझाव है कि मैं अपने डिसीजन को रिकंसिडर करूँ, उसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मणिपुर जा रही हूँ। मैं मणिपुर मुख्यमंत्री को ये पत्र लिख के बता भी रही हूँ और उनसे अपील कर रही हूँ कि मुझे रोकने की कोशिश ना की जाए, मेरी मदद की जाए, ऑफिसर्स से बात की जाए और मेरी विजिट रिलीफ कैंप्स में और जहाँ पर भी ये लड़कियाँ हैं वहाँ तक करवाई जाए जिससे कि हम उन तक पहुँचें और उनकी मदद कर सकें। साथ ही दिल्ली में काफ़ी सारी मणिपुर की लड़कियां भागकर वहां से आई हैं क्योंकि उनके साथ वॉयलेंस हुई है। उनके साथ मेरी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है, उनकी भी बातें हैं जो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहती हूं, इसीलिए मैंने उनसे समय भी मांगा है मिलने का। मैम, मणिपुर के बारे में जब विपक्ष के लोग बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि आप बंगाल की बात क्यों नहीं करते, राजस्थान की बात क्यों नहीं करते, क्या स्वाति मालीवाल राजस्थान और बंगाल पे जाएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अगर राजस्थान और बंगाल से इस तरीके के केसेस सामने आएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री ये बोलेंगे कि कई 100 केसेस हो रहे हैं और हम उनका कॉग्निजेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं वहाँ पर भी जाऊँगी। और मैं वहाँ पर एज एन एक्टिविस्ट जा रही हूँ, एज अ वुमन जा रही हूँ एंड आई नो दैट देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व। मैं फिर भी जा रही हूँ क्योंकि हम सब ने वो वीडियोज़ देखी हैं और वो वीडियोज़ दिल को बिल्कुल दहला देने वाली हैं। और उन लड़कियों तक अभी तक मदद पहुंची है या नहीं और उन जैसी बहुत सारी जो लड़कियां और हैं उन तक मदद पहुंची है या नहीं, इसको जानने के लिए जा रही हूं, सिर्फ मदद करने के लिए जा रही हूं। मणिपुर सरकार को मैं भी आश्वासन दे रही हूं कि मैं वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों तक पहुँच कर सरकार की भी मदद करूँगी और लड़कियों की भी मदद।